बड़ी मंगाई है। जाकर के भक्तों, जिस समय दुर्योधन चला है और दुर्योधन जाकर के पांडवों की कुटिया तक पहुंचा तो देखा है कि वहां पर पांडवों की जगह पर द्रौपदी के जो है 500 पत्र लेटे हुए थे। क्रोध में आकर के भक्तों, इधर अश्वत्थामा ने जिस समय जाकर के द्रौपदी के पांचों पत्रों के शीश को उतार लिया है, जाकर के दुर्योधन को दिया है। दुर्योधन ने जैसे उस शीश को पकड़ करके देखा तो शीश फूट जाते हैं। इधर भक्तों, दुर्योधन ने जवाब दिया है अश्वत्थामा को, आपको ये पांडवों के शीश मंगाए थे लेकिन ये पांडवों के शीश नहीं है, किसी बालक के शीश लेकर के आए हो। जिस समय द्रौपदी ने देखा है कि अभी पांच पत्रों में से एक भी पत्र और आया नहीं है भैया के पास में, द्रौपदी सोचने लगी है जाकर कि क्यों नहीं देखते हैं। जिस तरफ से द्रौपदी पर्दा को हटाती है उस तरफ से ही देखा, द्रौपदी के पांचों पत्रों के धड़ से शीश ही नहीं थे, वो दुर्योधन के पास दे आया था अश्वत्थामा। इधर भक्तों, द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि पांचों पत्रों के शीश नहीं है, द्रौपदी छज्जे पर खड़ी होकर के केसों को सुखा रही थी। द्रौपदी जाकर के अपने पत्रों को देखा, वैसे ही पत्रों के पास में द्रौपदी रो करके उस लहस पर गिरी है। डेरो मेरे त्रिबेराजा और हरि अबुला कड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए और लालों पर पड़ी रो रही। ही नहीं थे, द्रौपदी रोकर के अपने पत्रों पर गिर पड़ी है। द्रौपदी ने भक्तों जाकर के जैसे ही देखा और पांचों बेटों के शीश नहीं थे, वैसे ही द्रौपदी जाकर के कृष्ण के पास में, जैसे ही कृष्ण को आते ही देखा, द्रौपदी जाकर के कृष्ण के पास में पहुंची है, जवाब देने लगी, कही नटवर और भी कुछ तुम्हारे खेल में बाकी है, तो जो तुम्हारे खेल में और भी कुछ बाकी हो तो आप कर लीजिए। बोले हमारे खेल में, द्रौपदी से कृष्ण कहने लगे हैं कि बहन द्रौपदी एक बात बताइए,
दूसरे के अधिकार पर मैं अधिकारदार क्या बन सकते हैं और दूसरे की अमानुष्य में अमानतदार नहीं बन सकते, इसमें मेरा क्या कसूर है और मैंने क्या किया है जो आप हमसे कह रही हो। कृष्ण को सब कुछ मालूम। द्रौपदी खड़े होकर के रोने लगी है, कहने लगी है, कृष्ण आज अगर आपने मेरी लाज को नहीं बचाया तो देख लो आज से जो है कृष्ण आप मेरे भाई नहीं हो। शिव भक्तो, कन्हैया ने आकर के द्रौपदी को जवाब दिया है कि बहन द्रौपदी आप ठहरो, मैं जाकर के उस द्रोणी को लेकर के आएंगे और जिस समय द्रोणी को लेकर के आएंगे तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, उस समय आप बताना उस द्रोणी के लिए क्या किया जाए। भगवान कन्हैया के लिए द्रौपदी ने आवाज को लगाया है कि मेरी यशोवन भीग साड़ी और झट्टी आई जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी तुम्हारी